ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। चौथे चरण के लिए कल वोटिंग होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र के लिए रवाना होगी, ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। करीब 18,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि कल चौथे चरण के लिए मतदान होना है, जिसके लिए 18,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एमपी की 8 सीटों पर कल मतदान होगा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 1,63,70,654 मतदाता कल मतदान करते हुए नजर आएंगे, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पिछले 3 चरणों में 21 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है और कल चौथे चरण के लिए मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगी, कल चौथे चरण के लिए वोटिंग है, जिसको लेकर जरूरी तैयारियां की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि करीब 18,000 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं और पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और एमपी की 8 सीटों पर कल चौथे चरण में मतदान होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कल चौथे चरण के लिए एमपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। करीब 1,63,70,654 मतदाता मतदान करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 3 चरणों की अगर बात करें तो 21 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है और कल एमपी की 8 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होगा।